नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। भले ही इंसान ने चांद को फतह कर लिया हो, लेकिन आस्था और अंधविश्वास के आगे यह सब बेमानी नजर आते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान के केकड़ी जिले में देखने को मिला, जहां राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी के गायनिक वार्ड में हुई एक मासूम की मौत के बाद उसके परिजन उसकी आत्मा को लेने अस्पताल पहुंच गए। परिजनों के मुताबिक ऐसा करने से मृत मासूम की आत्मा को शांति मिलती है। अस्पताल से मृत मासूम की आत्मा को लेने की बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष पहुंचे और जब परिजन के साथ आए भोपे ने जब आत्मा को ले जाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी तो हॉस्पिटल के गायनिक वार्ड में भर्ती मरीज डर कर बेड से नीचे उतर गए। सरवाड़ उपखंड के लल्लाई गांव निवासी आशाराम प्रजापत की पत्नी के 7 माह का बच्चा पेट में था। अचानक पेट दर्द होने पर आशाराम अपनी पत्नी को लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी पहुंचा, जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके अंधविश्वास के आगे पूरा अस्पताल लाचार नजर आया। ग्रामीण समुदाय के आत्मा ले जाने वाली प्रक्रिया शुरू हुई तो अस्पताल में भर्ती मरीज परेशान हो गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम दिखा। गौरतलब है अस्पताल में मौत के बाद मृतक की आत्मा इधर उधर भटकती न रहे, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग लंबे अरसे से यह अनुष्ठान करते आ रहे हैं। मान्यता है कि परिजन अस्पताल पहुंचकर हवन की ज्योत जलाकर मृतक की आत्मा को अपने गाँव ले जाते हैं और उसकी मूर्ति स्थापित करते हैं। परिजनों की माने तो वे पिछले दिनों में हुई मासूम की मौत के बाद उनकी आत्मा लेने अस्पताल में आए हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया मांगने पर अस्पताल प्रशासन ने लंबी चुप्पी साध ली। अस्पताल में मृत मासूम की आत्मा लेने आए लोगों का कहना है कि लोग उनके अनुष्ठान को अंधविश्वास या फिर ढोंग कह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मान्यता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने बताया कि वो मृत परिजनों की आत्माएं ले जाकर उनकी पूजा करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके घर में सुख समृद्धि आती है और ऐसा न करने पर अनिष्ट हो सकता है। 21वीं सदी में भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास का बोलबाला है। केकड़ी जिले के सबसे बड़े अस्पताल से गांव से आए कुछ महिला पुरुष अमर ज्योति जलाकर एक बच्चे की आत्मा को ले गए। इन लोगों ने देखते ही देखते पूरे अस्पताल का भ्रमण कर डाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 3 महिलाएं व 4 पुरुष आए थे, हाथों में तंत्र मंत्र की सामग्री लेकर आत्मा लेने आए थे। इनके साथ आया एक भोपा हाथ में जलती ज्योत लेकर चलता जा रहा था। अस्पताल के वार्ड क्षेत्र में जाकर एक चक्कर लगाकर वे खुले पार्किंग परिसर में आ गए, जहां पर भोपा मंत्र पढ़ते हुए तेजी से चलता हुआ दिखाई दिया। एक पुरुष हाथ से जल का छिड़काव कर रहा था तो दूसरा पुरुष अनाज के दाने और नींबू बिखेरता जा रहा था। भोपा जी ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना कर रखा था। जो ही कैमरे देखे तो उनके कदम तेज हो गए, उनके पीछे पूरा परिवार नंगे पांव चल रहा था। परिजनों का मानना था कि बच्चे को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, इस कारण वे यहाँ उसे लेने आए हैं। आत्मा लेकर गाँव जा रहे हैं, जहां पर मूर्ति बिठाकर आत्मा को मुक्ति करेंगे। अस्पताल के जिस वार्ड में प्रसव होते हैं वहां पर मंत्रोच्चार कर भोपा जी ने कहा कि आत्मा आ गई है, उसके बाद सभी निकल गए। इन दिनों सरकारी अस्पताल में यदि आपको भोपे टोनेटोट के करते नजर आए तो आश्चर्य न करें। सरकारी अस्पताल में इस प्रकार का नजारा आम हो गया है। इसे अंधविश्वास माने या फिर परंपरा, घटना दुर्घटना में अस्पताल में मरने वाले लोगों की आत्मा को ले जाने का समाज के एक तबके में रिवाज बन गया है। इसमें परिवार के लोग गांव के भोपों को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अस्पताल लेकर आते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि उनमें आत्मा का वास है। ऐसे में परिवार के लोग उनके जरिए अस्पताल पहुँचते हैं और जिस बेड पर संबंधित व्यक्ति की मौत हुई है वहाँ भोपे बकायदा पूरी श्रद्धा भाव के साथ निकालते हुए पहुंचते हैं, जहां कथित रूप से आत्मा का विचरण माना जाता है। आत्मा को ले जाने वाले लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां संबंधित बेड से कथित रूप से ज्योत के रूप में आत्मा को बाहर ले जाते हैं। फिर जहां कहीं भी खुली जगह दिखती है वहां संबंधित
मृतक के नाम अगरबत्ती और घी का धूप दीप जलाते हैं। उसके बाद रात भर उनके नाम पर रतजिगा पूरी रात जाग कर उनके बाद सुबह मृतक के निकट परिजन स्नान ध्यान के बाद भोपों के साथ नारियल और घी का धूप जलाकर भोपों में आत्मा को बुलाया जाता है। धूप में ज्योत प्रकट होने पर भोपों द्वारा आत्मा की उपस्थिति की हरी झंडी दिखाने के साथ ही भभकती ज्योत को नई मटकी में चावल और गेहूं भर कर विराजित किया जाता है। बाद में परिवार के लोग ढोल बजाते हुए ज्योत को आदर सत्कार के साथ अपने घर ले जाते हैं, जहां रात भर परिवार के लोग मटकी में बंद ज्योत को झूला झुलाते हैं। रात्रि जागरण के साथ अल सुबह शुभ मुहूर्त में भोपों के सानिध्य में संबंधित परिवार द्वारा चिन्हित स्थान पर ज्योत मूर्ति या फिर चबूतरे के रूप में स्थापित कर दी जाती है। यह एक अंधविश्वास है, लेकिन धीरे धीरे अब एक परंपरा बन गई है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, परंतु गांव में लोग आज भी घटना दुर्घटना में हॉस्पिटल में मौत हुई हो या फिर किसी अन्य स्थान पर, वहां पर परिवार के लोग भोपों को लेकर गाजे बाजे के साथ पहुंचते हैं तथा कथित आत्मा को ज्योत के रूप में अपने घर ले जाते हैं। आत्मा को घर ले जाने के दौरान रास्ते में कई लोग नारियल और गेहूं चावल आदि भी छिटे जाते हैं। इसके पीछे माना जाता है कि आत्मा रास्ता न भटक जाए, इस कारण रास्ता दिखाने के लिए ही अनाज बिखेरना भी रिवाज का हिस्सा बन गया है। ये रिवाज केकड़ी क्षेत्र ही नहीं पूरे राजस्थान में जड़े जमा चुका है। खासकर SC ST और OBC वर्ग के लोग इसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है और केवल अंधविश्वास है।